राधे राधे, मैं लीला मिश्रा आज आपको अपने बचपन के खेल के बारे में बताऊंगी। मैं जब पढ़ती थी, निशा मैडम थी एक हमारी, लंबी थी वो हाइट में और झुक के चलती थी और कम से कम इतनी ऊंची हील वो पहना करती थी, तो मैं उन्हीं को देखती थी। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, खेल खेलते हैं, तो मैं भी क्या करती थी, टीचर बन जाती थी छोटे पे, और जो बाकी मेरे साथ के थे उनको स्टूडेंट बना देती थी। तो या तो कुर्सी पे मैं बैठ जाती, उनको नीचे बैठाती, और या तो कुर्सी वुर्सी नहीं मिलती थी गली में कहीं खेलते तो ऊंची वाली सीढ़ी पे मैं बैठ जाती थी और नीचे वाली सीढ़ियों पे उनको बैठा देती थी। सब तो उन्हीं की तरह एक्टिंग करती थी, झुक के आती थी नीचे से, ऊंची वाली हील अपनी दीदी की पहन लेती थी और आती वैसी बैठती, उन्हीं की तरह बोलती जैसे वो बोलती थी और उसी तरह करती। फिर मैं कहती अब सारे पिकनिक चलेंगे, हफ्ते में एक दिन पिकनिक रख देती थी। और पिकनिक कहाँ जाते थे, जो आसपास का पार्क हुआ करता था उसी में, जब कोई काम चलता है तो मिट्टियों के ढेर लग जाते हैं, तो मैं उनको पहाड़ बोलती। अब उनको 2-2 रुपए उनसे मंगा लेती थी, हम सारे 2-2 रुपए मिलाते पिकनिक जाते, तो वहां पे मैं कहती अब पहाड़ पे चढ़ेंगे, तो वही मिट्टी के ऊपर चढ़ते फिर नीचे उतरते फिर घूमते फिरते, वो जो 2-2 रुपए थे मिलजुल के खाते पीते। हम कहते अच्छी हुई ना पिकनिक, तो कहते हाँ सबको अच्छा लगा। तो ये बच्चों के खेल थे, और ऐसे ही मैं खेला करती थी, पहलो दुबो हुई और गिट्टे हुए, खो हुआ, खो खो, और ऐसे ही ये सब खेल थे पहले के समय के। तो इसी तरह एक बार क्या हुआ, मैं खेल रही थी, मेरा भाई छोटा वाला ट्यूशन गया हुआ था, भाई एक ही है सबसे छोटा है, तो वो होगा कम से कम 7-8 साल का, मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ, अब आप लगा लो 2 साल उससे बड़ी हूँ। तो वो ट्यूशन गया हुआ था, मैं खेल रही थी, ट्यूशन से आया वो और मम्मी को ढूंढ रहा था कि मम्मी कहाँ है, मैडम ने बुलाया ट्यूशन वाली ने, तो उसे मम्मी तो मिली नहीं, मैं दिखी, तो मैंने पूछा ट्यूशन से क्यों आया। होते हैं ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, वो समझते हैं मैं तो बड़ी हूँ, उनके अंदर ये होता है मैं तो बड़ी हूँ, इससे तो ये होता है उन बच्चों में। तो मैं कह रही ट्यूशन से क्यों आया, तो वो बोल रहा है कि बहन उसने ना मैडम ने ना मम्मी को बुलाया है। तो मैंने कहा मम्मी को बुलाया है, तो कह रहा मम्मी तो नहीं मेरे को दिखी। तो मैंने कहा चल मैं चलती हूँ, उसके रखा कंधे पे हाथ मैंने, मैं कहा चल भाई अपन दोनों चलते हैं। गई उसके पास, और उन्होंने किस लिए बुलाया था कि उसकी नाक बहरी थी, और नाक रोज बहती थी उसकी, मतलब नाक साफ ऐसे करके ऐसे पोंछ लेता था। और इत्तेफाक की बात क्या थी कि मेरी भी नाक बहती थी और मैं भी ऐसे ही पोंछ लेती थी। तो वहां दोनों जने पहुंचे, हम बहन भाई दोनों ही। जब ट्यूशन की मैडम के पास पहुंचे तो कह रही, ट्यूशन वाली मैडम से नमस्ते किया, तो बोली कि मम्मी को बोला था ना मैंने, तो मैंने बोला मैडम मम्मी तो नहीं है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, होता है ना बच्चों में होता है, मैं इससे बड़ी बहन हूँ मैं इसकी। तो मैडम बोली अच्छा, तो कह रही कि ठीक है। वो कॉपी चेक करने में, ऐसे नीचे मुंडी करके कॉपी चेक करने में लग रही थी बच्चों की, तो उसी टाइम दोनों बहन भाइयों की नाक आ रही थी, तेज की ऊपर सुड़का और दोनों ने ही यूं रगड़ मारी। मैडम ने एक बार ऊपर देखा, मैडम कह रही भाई क्या बोलूं मैं, जिसको लाया है वो भी ऐसे ही। मैडम कह रही ऐसा है क्या, जाओ आप घर जाओ। मैडम ने कुछ नहीं बोला, मेरे को भी घर भेज दिया और उसको बैठा दिया। उसके बाद पता नहीं मम्मी कभी गई उनके पास मिलके आई या नहीं आई, मगर ये किस्सा था उस दिन का। हम फिर मिलेंगे कल एक नए किस्से के साथ। राधे राधे।